मैं अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो इस चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अब तो लगभग पूरा परिणाम सामने है। सरकार 5 साल मुझे जो मौका मिला काम करने का, लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार से बाहर है हम, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे, आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है मैं भी जांच कर करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पर कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, दो युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको आज नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे, वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो,